मैंने कई जगह देखा है, आंखों देखी बात बताता हूं। कई कहलाने वाले अध्यात्म जगत के बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़ी बड़ी संप्रदायों को चलाने वाले, कोई इतना ख्याल नहीं रखते हैं जैसा गुरुदेव एक माँ की तरह, एक पिता की तरह हम सभी का ख्याल रखते हैं, हमारे लिए कितनी कितनी बातें सोचते हैं और हमारे हित के बारे में बताते हैं कि ये वर्षा ऋतु का पूर्व काल है, इन दो महीनों में ये खाना ये न खाना, ऐसा ख्याल कौन रखेगा? आप सोचो, अंतिम दो महीने वर्षा ऋतु के वो उत्तर काल है, उसमें ये चीज खाना ये चीज न खाना, कितना ख्याल रखते हो गुरुदेव हम सभी का। फिर भी बापू, हम कैसे कृतज्ञ हैं कि हम सभी 100% सत शिष्य नहीं बन पाते हैं। हे गुरुदेव, आज की गुरु पूर्णिमा को हम सभी साधक एक दूसरे के लिए शुभ कामना करते हैं कि हम सही अर्थ में सतपात्र शिष्य बने। हे गुरुदेव, हम ऐसे साधक बने जैसे स्वामी विवेकानंद अपने गुरुदेव के साधक थे। घर में बहुत गरीबी थी, रामकृष्ण देव के पास गए, तब उनका नाम नरेंद्र था। रामकृष्ण देव ने कहा कि बेटे, इतनी तकलीफ है घर में, तो जाओ मंदिर में, मां काली से कुछ मांग लो, मां देगी तुमको। विवेकानंद जी अंदर गए, काफी देर बैठे रहे, एक घंटा बीत गया। रामकृष्ण देव ने देखा अभी तक आए नहीं, मंदिर में गए तो देखा स्वामी विवेकानंद आंखें बंद किए बैठे हैं और उनकी आंखों से भक्ति भाव के आंसू बह रहे थे। वो अपने होठों में कुछ प्रार्थना के शब्द बोल रहे थे। रामकृष्ण देव ने देखा उनको, भाव समाधि में लीन, बड़े प्रसन्न हुए कि कैसा है ये युवान, धन्य है इस युवान की भक्ति को। बाहर आए जब थोड़ी देर के बाद, तो रामकृष्ण देव ने पूछा कि बेटे, मां से क्या मांगा? उन्होंने कहा, फिर उनकी आंख में आंसू आ गए। घर पे एक तरफ गरीबी भी थी, खाने को भी ठीक से नहीं मिल पाता था। विवेकानंद ने कहा, गुरुदेव, मैंने मां से भक्ति मांगी है, आपके चरणों की प्रीति मांगी है, मां से मैंने मां से संयम और सदाचार मांगा है, मैंने मां से भोगों से वैराग्य मांगा है। रामकृष्ण ने कहा, बेटे, घर पे इतनी तकलीफ है, मां से मांग लेते पैसे का आशीर्वाद? विवेकानंद ने कहा, गुरुदेव, कैसे मांगता, मेरे मन में मांगने का भाव ही ना आया, मैं तो
उनके अनुग्रह के भाव में भर गया था कि क्या इतनी कृपा कम है कि मुझे मनुष्य जन्म मिला, ऐसी पवित्र बुद्धि मिली, आप जैसे गुरु मिले, फिर भी मैं क्यों कुछ मांगूं? बिन मांगे ही इतना कल्याण का साधन मिला है। रामकृष्ण ने कहा, नहीं बेटे, जा फिर से मंदिर में, जा मांग ले माँ से, माँ तुझे जरूर देगी संपत्ति, जा मांग ले। विवेकानंद दोबारा गए, पर फिर भी भक्ति मांगी, वैराग्य मांगा। तीसरी बार गुरु ने भेजा, दोबारा गए गुरु के कहने पर फिर भी अंदर से पुकार यही आई, माँ मुझे भक्ति देना, माँ मुझे गुरु के चरणों की प्रीति देना, माँ मुझे गुरु के चरणों से कभी दूर न हों ऐसा वरदान देना। और ऐसे हमारे गुरु की आयु खूब लंबी हो माँ, ऐसा मांगा। मेरे गुरु स्वस्थ रहे ऐसा मांगा। रामकृष्ण देव ने ऐसा प्रेमी शिष्य देखा तो रह न पाए, विवेकानंद को अपने गले लगा लिया कि धन्य है तेरी भक्ति निष्ठा। हे अध्यात्म जगत के महापुरुषों, आज गुरु पूर्णिमा है, हम सभी साधक आज की गुरु पूर्णिमा को, गुरु पूजन को, गुरु दर्शन को आए हैं। हमारी भी भक्ति के सिवाय कोई मांग न रहे। पुराणों में कथा आती है वेद धर्मा ऋषि की। वेद धर्मा ऋषि थे, उनका एक शिष्य था संदीपक, वो साथ में रहता था। एक दिन गुरु ने कहा कि बेटे, अब मेरे शरीर को कोढ़ की बीमारी होने वाली है, कोई ऐसा प्रारब्ध है, तुझे जाना है तो घर चला जा, तुझे भी रोग ना हो जाए कहीं बेटा। तब उस शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपने से दूर मत करो। तब गुरु भीतर से तो खुश हुए, पर बाहर से कसौटी करते थे, डांटते थे, खूब फटकारते थे, गुस्सा करते थे, फिर भी वो सेवा में लगा रहता था। भगवान शिव जी उसकी सेवा निष्ठा से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, कहा बेटे वरदान मांगो। तब उसने कहा, मेरी और कोई चाह तो नहीं है, आप कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मेरे गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। शिवजी ने कहा, अपने गुरु को पूछ लो। वो पूछने गया, गुरु ने कहा, नहीं बेटे, तू कुछ मत मांग उनसे, देखा जाएगा। उसने शिवजी को गुरु की बात ज्यों की त्यों दोहरा दी। शिवजी अंतर में बड़े प्रसन्न हुए, अंतर्धान हो गए। वो साधक अपनी सेवा में लगा रहा, रुचि पूर्ति के सुख की उसको इच्छा नहीं थी, कामना पूर्ति से होने वाले सुख का प्रलोभन उसके मन में नहीं था, वो भक्त था, भोगी नहीं था। गुरु की सेवा से उसका हृदय और शुद्ध हो गया था।
गुरु ने फिर उसको डांटा के तुझे सेवा नहीं करनी तो चला जा, मेरे लिए शिवजी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जा भाग जा। तब उसने फिर हाथ जोड़े, माफी मांगी, नहीं गुरुदेव नहीं। मैं कहां जाऊंगा आपको छोड़कर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है आपके सिवा, मेरी मां आप हो, मेरे पिता भी आप हो, मेरे सब कुछ आप ही हो। तमेव सर्वम मम देव देव गुरुदेव। थोड़े दिन और बीते, उसकी लगन को देखकर, उसकी सेवा और सच्चाई को देखकर, उसकी भक्ति को देखकर भगवान विष्णु से रहा न गया। ये पुराण की कथा है। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, कहा बेटे वरदान मांगो। तब संदीपक ने कहा कि भगवान मैंने तो आपका नाम जप नहीं किया, आप कैसे प्रकट हो गए? भगवान ने कहा बेटे गुरु की उपासना वो मेरी ही उपासना है, बेटा गुरु की भक्ति वो मेरी भक्ति है, मैं तेरी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू कुछ मांग ले आज। उसने कहा नहीं, शिवजी से मैंने कुछ मांगा था, मेरे गुरुजी नाराज हो गए थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिए, अब आप जा सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं, आज मैं तुझे वरदान दिए बिना नहीं जाऊंगा, बेटे कुछ मांग ले। वो कहता है अच्छा प्रभु, आप इतना आग्रह करते हैं तो मैं आपसे इतना ही मांगता हूं कि ये जो मेरे गुरुदेव हैं, मैं जब तक इस शरीर से जिंदा रहूं, मैं मेरे गुरुदेव से निभाऊं ये नाता, मैं मेरे गुरु से कभी धोखा न करूं, मैं मेरे गुरु से कभी गद्दारी न करूं, मैं मेरे गुरु से कभी बेवफाई न करूं, मैं मेरे गुरु से कभी विमुख न हो जाऊं, बस मैं मेरे कृपा सिंधु की सेवा में लगा रहूं, इतना वरदान देना चाहते हैं तो दे दो, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, मेरा इस संसार में किसी से कोई संबंध नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा एवं अस्तु, बेटे ऐसा ही होगा। भगवान अंतर्धान हो गए। इतने में गुरुजी पीछे से आ गए, किससे बात कर रहा था? सारी बात जो भगवान विष्णु से हुई थी उसने गदगद कंठ से दोहरा दी। तब गुरु तो आखिर गुरु थे, करुणा के सागर थे, गुरु कैसे रह पाते ऐसे प्यारे शिष्य को गले लगाए बिना? गुरु ने उसको गले लगा लिया और कहा बेटे तू कसौटी में खरा उतरा, तू परीक्षा में पास हो गया, बेटे धन्य है तेरी भक्ति को, धन्य है तेरी निष्ठा को, और धन्य है तेरी सहनशीलता को, धन्य है तेरी गुरु भक्ति को। बेटा मैं तेरे अंदर की बातें भी जान रहा था, मैं जब तुझे डांटता था तो खास देखता था तेरे दिल पर क्या असर हो रही है, बेटे तब भी तू मेरे में दोष दर्शन नहीं करता था, तेरी कैसी भक्ति है अपने गुरु के लिए, धन्य है धन्य है।
वो शिष्य धनभागी है, वो शादी का बहन धनभागी है, जिसको कभी भी अपने गुरु में दोष दर्शन नहीं होता है, अपितु अपना दोष दिखता है और उस दोष को दूर करने की अपनी तत्परता दिखाते हैं। वो साधक साधिकाएं धन्य है। ये आषाढ़ी पूनम, आषाढ़ी मास की गुरु पूर्णिमा, ये तो वर्ष में एक बार ही आती है, परंतु आज इस आषाढ़ी पूर्णिमा को मैं सभी साधकों के चरणों में हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसा कुछ करना कि हमारे दिल में रोज आषाढ़ के बादल उमड़ने लगे। हमारी एक आषाढ़ी पूर्णिमा न हो साल में, हमारी रोज आषाढ़ी पूर्णिमा हो जाए, हमारे दिल में रोज आषाढ़ के बादल उमड़े गुरु की याद में, और वो बादल आंखों से बरस पड़े पानी बनकर, मन के मैल को धो डालेंगे वो आंसू। धनभागी हैं वो साधक साधिकाएं जिनके दिल में आषाढ़ के बादल उमड़ते हैं और जिनकी आंखें गीली हो पाती हैं, जो अपने गुरु से कभी कोई मांग नहीं करते, उन साधकों को, उन साधिका बहनों को मेरा प्रणाम है। और जिसकी कोई मांग नहीं रहती सचमुच, उसे कोई कमी भी तो नहीं रहती है। धनभागी है वो साधक साधिकाएं जिनकी कोई मांग नहीं है, पर जिनके दिल में प्यार है अपने गुरुदेव के लिए, और जिनकी आंखें गीली हो जाती है, जिनकी आंखें बरस पड़ती है, वो साधक धन्य है। उनकी बड़ी कमाई हो रही है। उनकी बड़ी ऊंची तपस्या हो रही है। मन ही मन अपने गुरुवर का मानसिक पूजन कर लेना। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी से एक व्यक्ति ने, जिज्ञासु ने सवाल किया कि धरती पर जो भी महापुरुष अवतार लेकर आते हैं, प्राय देखा सुना है कि कई बार उनका शरीर अस्वस्थ हो जाता है, इसका क्या कारण है? स्वामी अखंडानंद जी ने उनको बताया कि उसके चार कारण हैं। उनका शरीर जब अस्वस्थ हो जाता है, उसके चार कारण हैं। महावीर को भी शारीरिक अस्वस्थता का सामना करना पड़ा था, स्वामी विवेकानंद को भी, रामकृष्ण परमहंस को भी।
रमण महर्षि को भी। चार कारण है उसके। एक तो अत्यधिक श्रम, अधिक श्रम के कारण उनका शरीर अस्वस्थ हो जाता है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि वो कई बार दूसरों के दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, स्वयं पीड़ा भोग लेते हैं। तीसरा कारण वे करुणावश, अति करुणावश होकर किसी को कोई आशीर्वाद वरदान देकर उसके कई पाप अपने पर ले लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस जब दीक्षा देते थे, गिने चुने शिष्य होते थे दीक्षा लेने में, पर दीक्षा देकर जब आते रामकृष्ण परमहंस तो उनके जीवन में लिखा है कि वो अस्वस्थ हो जाते थे और कहते थे कि दीक्षा देने से, दीक्षा लेने वालों के कई पाप मुझ पर आ जाते हैं। ऐसा रामकृष्ण देव के वचन है। चौथा कारण संत ने बताया कि कई बार लोक हित के कार्य में लगे रहने के कारण, परोपकार में लगे रहने के कारण अपने जलवायु बदलते रहने की परवाह नहीं करते। खाने पीने की अनियमितता रहती है, भोजन की अनियमितता, निवास की अनियमितता, कभी कहीं कभी कहीं जलवायु बदलता रहता है, तो उस कारण भी उनके शरीर पर थोड़ा असर पड़ सकता है। पर फिर भी ऐसे महापुरुष वो तो समाज के हित में ही लगे रहते हैं। सबका मंगल कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले, आकाश गंगा में जब तक तारे रहे, गंगा सागर में जब तक ये पानी रहे, गंगा सागर में जब तक ये पानी रहे, मेरे बापू तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे, गुरुदेवा ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा ओ गुरुदेवा। तेरा साथ कभी ये ना छूटे, तेरा साथ कभी भी ना छूटे, तेरी प्रीति कभी भी ना छूटे, तेरी प्रीति कभी भी ना छूटे, मेरा जीवन हो तुम, मेरी धड़कन हो तुम, मेरा जीवन हो तुम, मेरी धड़कन हो तुम, अपनी प्रीति को तुझ में बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, गुरुदेवा देवा।
तुमको मेरी उम्र लग जाए, तुमको मेरी उम्र लग जाए, तुमको मेरी उम्र लग जाए, तुमको मेरी उम्र लग जाए। तुम बता दो कोई ऐसा उपाय, दीर्घायु हो तुम चिर आयु हो तुम, दीर्घायु हो तुम चिर आयु हो तुम, तेरी सेवा और दर्शन हम पाते रहे, हम पाते रहे गुरु अर्ज सुन लो प्रभु जी हमारी, अर्ज सुन लो प्रभु जी हमारी, हमको क्षण क्षण जरूरत तुम्हारी, हमको क्षण क्षण जरूरत तुम्हारी, हमको क्षण क्षण जरूरत तुम्हारी, हमको क्षण क्षण जरूरत तुम्हारी। जब से तुमको पाया चैन मन को आया, जब से तुमको पाया चैन मन में आया, तेरे चरणों में मस्तक झुकाते रहे, झुकाते रहे निराला है सारे जहां से, तू निराला है सारे जहां से, तुझसे चलती हमारी ये सांसे, तुझसे चलती हमारी ये सांसे, मेरी बंदगी भी तू मेरी जिंदगी भी, मेरी बंदगी भी तू मेरी जिंदगी भी तू, सब तेरा ही हम तुझको चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे।